बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों से चिकन मायो ब्रेड बॉल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे खाने के बाद आप लोग इसके फ़ैन बन जाएंगे। और बनाने में बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल और क्विक रेसिपी है। तो अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो चिकन मायो ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए 250 ग्राम चिकन लेनी है। चिकन को थोड़ी नमक और पानी के साथ बॉईल कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे श्रेड कर लेंगे। इसके अलावा 4 टेबल स्पून मायोनीस लेना है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च लेनी है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस लेना है। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स लेने हैं। ब्रेड्स को उनकी साइड्स के साथ ही आप ग्राइंड कर लेंगे तो होममेड ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा पानी लेना है। इसके अलावा ब्रेड्स लेनी है, ब्रेड्स की साइड्स को कट कर लेना है। ये तकरीबन 8-10 ब्रेड्स हैं। एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च लेनी है, शिमला मिर्च को हमने जुलियन कट कर लेना है। इसके अलावा 2 अदद अंडे लेने हैं। अंडों को खूब अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो अब हम चिकन ब्रेड मायो बॉल्स की फिलिंग की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हमें एक पैन लेना है। पैन में हमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेना है और फिर साथ ही तमाम स्पाइसेस भी हम ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें हम सोया सॉस भी ऐड कर देंगे। तो तमाम स्पाइसेस और सोया सॉस ऐड करने के बाद चिकन को खूब अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो फिर इसमें हम कैप्सिकम ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम मायोनीस ऐड कर देंगे। मायोनीस ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर चिकन ब्रेड मायो बॉल्स की फिलिंग बनकर रेडी है। इसे बाहर निकाल लेंगे और फिर ठंडा कर लेंगे फिलिंग को हम। तो अब हम चिकन ब्रेड मायो बॉल्स की बॉल्स तैयार करेंगे, जिसके लिए हम पानी लेंगे। पानी में हम ब्रेड को डिप कर देंगे और फिर डिप करने के बाद हम ब्रेड को प्रेस करेंगे ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाए। जब हम अच्छी तरह से प्रेस करके पानी निकाल लेंगे ब्रेड से, तो फिर इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। फिलिंग ऐड करने के बाद हम ब्रेड को फोल्ड कर लेंगे और फिर ब्रेड को हम बॉल का शेप दे देंगे। देखिए बॉल बनकर रेडी है। तो अब हम ब्रेड क्रम्स लेंगे
और फिर इस बॉल को ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स को खूब अच्छी तरह से बॉल पर कोट करेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर तमाम बॉल्स को हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए तमाम बॉल्स हमारी रेडी हैं। तो अब हम बीट किया हुआ अंडा लेंगे, अंडे में हम इन बॉल्स को वन बाय वन डिप करेंगे। तो अब हम अगेन ब्रेड क्रम्स लेंगे, ब्रेड क्रम्स में हम जितनी भी बॉल्स हैं उनको डिप करेंगे, खूब अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स को इन बॉल्स पर कोट करेंगे। तो दो बार ब्रेड क्रम्स की कोटिंग से चिकन ब्रेड मायो बॉल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। तो अब हम इस तरह से तमाम बॉल्स को जो है वो तैयार कर लेंगे और फिर तमाम बॉल्स को तैयार करने के बाद हम इन बॉल्स को तकरीबन 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि जितनी भी कोटिंग है वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो दूसरी तरफ हम कढ़ाई में ऑयल को मीडियम टू स्लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम वन बाय वन ब्रेड बॉल्स को ऐड करेंगे और फिर ब्रेड बॉल्स को हम फ्राई करेंगे। चिकन ब्रेड मायो बॉल्स को हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। जब चिकन ब्रेड बॉल्स एक तरफ से फ्राई हो जाएंगी तो हम इसको फिर पलट लेंगे, टर्न कर लेंगे। तो हमें चिकन ब्रेड मायो बॉल्स को लाइट गोल्डन कलर में फ्राई करना है। तो देखिए हमारी बॉल्स जो हैं वो लाइट गोल्डन कलर में फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी की बॉल्स को भी तैयार कर लेंगे। तो अब हमारी चिकन मायो बॉल्स बनकर रेडी हैं। आई होप कि आप लोग को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसे चेक करके देखते हैं। तो देखिए बाहर से कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और अंदर से बेनतहा डिलीशियस है। तो इसे आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसे घर में बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसे आप लोग बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।